The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aadhshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. थोड़ा सा हम इसमें एनालिटिकल कुछ नहीं है, फैक्चुअल पढ़ाते हैं, ठीक? फैक्चुअल पढ़ाना है इसमें. और अब हम देखते हैं सेंसस डेटा ऑन माइग्रेशन. आप जैसे कि जानते हैं सेंसस जो है वो साल में 10 साल में होता है, और लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, 2021 में होने वाला था, पेंडेमिक की वजह से नहीं हुआ, और अभी तक कोई आइडिया भी नहीं है कि कब होगा. अगर जो सेंसस है वो 2022 में भी नहीं हुआ, 2023 चल रही है, 2023 में भी होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है. अगर सेंसस 2024 में होता है, 2025 में होता है, तो उसका तो डेटा कैम आउट इन 2027, 2028, तो 27-28 तक उसका डेटा आएगा. तो ये डेटा बेसिकली बहुत रिलेवेंट होने वाला है. आप अगर आने वाले 5 साल भी आप अगर अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं, तो ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो अब मैं थोड़ा डेटा रीड आउट कर देती हूँ. इंडिया हैड 45.6 करोड़ माइग्रेंट्स इन 2011. इंडिया में जो 2011 थे उसमें टोटल माइग्रेंट्स कितने थे? 45.6 करोड़, ठीक है, विच इज 38% ऑफ द पॉपुलेशन. यानी कि अगर हम इंडिया की ही बात करें तो 38% ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेटेड है, ठीक है? यानी कि जितने भी लोग हैं उसमें 38% जो है वो अपनी उस जगह पे नहीं रह रहे हैं जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें ये पॉपुलेशन की, 31.5 करोड़ था ये 2001 वाले सेंसस में, और उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो 31% थी. यानी कि 2001 में जब सेंसस हुआ तो 31% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज लिविंग इन माइग्रेटेड फॉर्म, यानी ही वॉज लिविंग एज अ माइग्रेटेड पर्सन. बट वेन वी टॉक अबाउट 2011 सेंसस, दिस went up to the 38%. 31% से सीधा 38% हो गया. एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एज मच एज वी आर ग्रोइंग. जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, अर्बनाइजेशन जो है वो ग्रो होगा, एंड ऐसा माना जाता है कि मोर देन 50% ऑफ द पीपल विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज. अर्बनाइजेशन जो है वो 50% तक बढ़ जाएगा टिल 2045, ठीक है? तो जो जिस स्पीड से लोग रूरल एरिया से अर्बन में माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये बोला जाता है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन द अर्बन एरियाज इन 2011, ठीक है? उत्तर प्रदेश बिहार में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नंबर जो माइग्रेट करते हैं वो उत्तर प्रदेश बिहार में करते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक रीज़न. वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो मूव आउट करते हैं ताकि उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल पाए, एक बेटर इनकम हो पाए, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली पे कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है? अब 37% ऑफ द टोटल इंटरस्टेट माइग्रेशन है. यानी कि जो इंटरस्टेट माइग्रेशन है वो कितना है? 37%. मोस्टली जो है वो, यानी कि 38% ओवरऑल माइग्रेशन है, जिसमें से 37% इंटरस्टेट है. यानी कि केवल 1% ही माइग्रेशन ऐसा है जो स्टेट के स्टेट में हुआ है, अदरवाइज स्टेट टू स्टेट माइग्रेशन होता है. यानी कि आप यूपी से बिहार में माइग्रेट कर रहे हैं, बिहार से राजस्थान में माइग्रेट कर रहे हैं, 37% माइग्रेशन इस तरीके का है. 1% माइग्रेशन ऐसा है कि आप विद इन द स्टेट माइग्रेट कर रहे हैं, यूपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट स्टेट, और बिहार के अंदर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट माइग्रेट कर रहे हैं. दिल्ली एंड मुंबई को जो है वो मैग्नेट माना जाता है माइग्रेंट का, कि दिल्ली और मुंबई में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स को आप टैप किया जाता है. यानी कि जो सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स हैं उनकी जो डेस्टिनेशन होती है वो दिल्ली एंड मुंबई होती है. उसमें 9.9 मिलियन, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द माइग्रेटेड पॉपुलेशन लिव्स इन दिल्ली एंड मुंबई. इसके बाद में जो हिंदी बेल्ट है वो मेन सोर्स ऑफ माइग्रेशन है. हिंदी बेल्ट में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन लोगों, इन स्टेट से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं. 50% ऑफ टोटल इंटरस्टेट माइग्रेंट्स केवल इन्हीं 4 स्टेट से आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश. कंप्लीट फैक्चुअल डेटा है, केवल आपको रीड करके बता रही हूँ, आपको सिर्फ ये रटना है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रही हूँ कि आपको कुछ भी ना याद करना पड़े, रटना नहीं पड़े कुछ विशेष, लेकिन बेटा फैक्चुअल चीज़ें हैं, स्टेटमेंट है, कोटेशन है, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, यू विल हैव टू यू नो मग अप दैट थिंग. तो वो चीज़ तो आपको मग अप करनी पड़ेगी, उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी. तो ये उसी डेटा में से एक है.
नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बिटवीन 2001 एंड 2011 पॉपुलेशन ग्रू बाय 18%, नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इंक्रीज बाय 45%। 2001 से 2011 के बीच में जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई वो 18% की हुई, लेकिन उसकी वजह से जो हमारे माइग्रेंट्स इंक्रीज हुए हैं वो 47% से हुए हैं। और 2011 में बोला गया कि जितने भी माइग्रेशन है उसमें से 99% जो है, 2011 में बोला गया कि जो 2011 के सेंसस में क्या बताया गया है कि जो 99% माइग्रेशन है वो इंटरनल माइग्रेशन है, यानी कि इन द कंट्री हो रहे हैं, और इसमें से जो 1% है वो कितना है, वो एक्सटर्नल माइग्रेशन है, यानी कि जितने भी लोग देश छोड़ के माइग्रेट कर रहे हैं वो केवल 1% है। ठीक, बाकी जो 99% है वो विद इन द कंट्री ही मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, राइट। इंटर स्टेट माइग्रेशन की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट आते हैं। ठीक, एक रिपोर्ट आई है माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 रिपोर्ट, माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 रिपोर्ट, ठीक है, माइग्रेशन की रिपोर्ट आई है 2020-21 रिपोर्ट। इसमें क्या है कि जो कोविड हुआ 2020 में उसका माइग्रेशन पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ये रीड करने की कोशिश की गई। इसमें बोला गया कि जो 0.7% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन है वो टेम्प्रेरी विजिटर्स हैं, 84% जो है वो रीज़न उनका जो मूव करने का था वो पैंडेमिक से रिलेटेड था, किसी का जॉब छूट गया, किसी को अपनी फैमिली को केयर गिविंग करने के लिए जाना है, और किसी के पास ये कि हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, जॉब तो है नहीं, सो दे विल ट्राई टू मूव बैक टू द विलेजेस, 84% लोग ऐसे थे। ठीक है, ऑल इंडिया माइग्रेशन 28.9% का है, जिसमें से 26.5% रूरल एरियाज में, 34.9% अर्बन एरियाज में। एग्जैक्ट फैक्चुअल सीट है, फैक्चुअल डेटा है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसको निकाल के आप अपने अखबार पे कहीं पे भी पेस्ट कर लीजिएगा, जब भी आपको बहुत ज़्यादा यू नो डेटा की ज़रूरत हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी नीड टू नो व्हाट आर द रीजंस फॉर माइग्रेशन, कि हम रीजंस क्या हैं माइग्रेशन के। तो सबने बचपन में भी पढ़ा होगा, अगर 10th 11th की इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसमें भी पढ़ा होगा माइग्रेशन, थोड़ा भी अगर पढ़ा है तो माइग्रेशन में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है पुश फैक्टर, एक है पुल फैक्टर। ठीक, अब इनका जो इंग्लिश में मीनिंग है वही इस कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। पुश फैक्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय द पुश फैक्टर, कि हम किसी को पुश कर रहे हैं, किस चीज के लिए पुश कर रहे हैं, कि भाई यहां से बाहर जाओ, पुश करना यानी कि धक्का देना, वी आर पुशिंग दैम आउट, कि आप हमारे स्टेट से बाहर जाइए, आप हमारे घर से बाहर जाइए। अब देखिए, अगर हमको अपने घर से किसी को निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, क्या हम डायरेक्टली निकालते हैं, नहीं ना। ठीक, हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्टली निकालते हैं। इनडायरेक्टली कैसे निकालते हैं बेटा, ये भी बता दीजिए मुझे। देखिए, डायरेक्टली हम बिल्कुल नहीं निकालते हैं किसी को भी घर से बाहर, इनडायरेक्टली कैसे निकालते हैं, कि हम उसके साथ बिहेव गलत करना शुरू कर देंगे, बिहेव के इशू हो जाएंगे, रिसोर्स नहीं होंगे, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये सब ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से एक इंसान को लगता है कि अब मुझे इस फैमिली में नहीं रहना, तो हमने क्या किया, पुश किया कि तुम हमारे घर से निकल जाओ। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में क्या होगा, ऐसे सारे रीजंस जिनकी वजह से इंसान अपने उस प्लेस को छोड़ना चाहे। ठीक, वो सारे रीजंस क्या है वो हम अभी बताएंगे। पुल फैक्टर में क्या है कि इसने तो कहा कि बाहर जाओ, अब यहाँ पे ये बाहें फैलाए खड़ा है कि मेरे पास आ जाओ, खींचने के लिए तैयार है, मैग्नेटिक पुल, कि कोई भी ये लोग क्या है, ये ऐसे फैक्टर्स है, ये ऐसे सिचुएशन जिसको कह रहे बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको बोल रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ, वी कैन हैव यू, हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये क्या है कि एक वेलकमिंग एक आप मान सकते हैं, यानी कि ऐसा माना जाता है बेटा कि अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं ना कि लेट्स से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे हमारी क्या घटिया लाइफ है, यहाँ पे हमारी कितनी अच्छी लाइफ हो सकती है, कितने वेलकमिंग लोग हैं, कितने बेटर हमको वेजेस मिल सकते हैं, कितनी सारी अच्छी अच्छी सिचुएशंस हैं,
ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स जो है वो पुल फैक्टर का काम करते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये किसका काम करते हैं, पुश फैक्टर का काम करते हैं। ठीक है, अब हम बहुत डिटेल में देखते हैं कि पुश फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द पुश फैक्टर। ठीक, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पुश फैक्टर। मैं सिर्फ फैक्टर्स लिख रही हूँ, एक्सप्लेन आपके ऐसे बोल के कर दूंगी। ठीक है बेटा, पुश फैक्टर में सबसे पहला जो हमारा पुश फैक्टर है, एग्रेरियन डिस्ट्रेस। देखिए एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो है इंडियन इकोनॉमी का बहुत प्रिवलेंट इशू है। इंडियन एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा, जब हमने एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ा है, एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया है कि एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर क्या क्या इश्यूज हैं, किसानों के क्या क्या इश्यूज हैं, ओवरऑल जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो किन किन इशूज से सफर कर रहा है, दैट वी केम टू नो अबाउट एग्रेरियन डिस्ट्रेस। अब एग्रेरियन डिस्ट्रेस में क्या है कि लेट्स से एक इंसान है, एक फार्मर है जिसने फसल लगाई लेकिन उसको फसल से इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कर्जा हो गया है लोगों का, उसको अपना कर्जा चुकाना है, फसल उसकी खराब हो जा रही है, उसकी जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, सॉइल उसका अच्छा नहीं है। तो अंडर दैट सिनेरियो बेटा व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि अब आप उसका माइंडसेट समझने की कोशिश कीजिए। फार्मर को तो लगेगा ना कि अगर मैं गांव छोड़ के शहर में चला जाऊंगा, वहां पे मजदूरी कर लूंगा तो मैं अपने बच्चों का पेट अच्छे से पाल पाऊंगा। गांव में तो मजदूरी करने के भी तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है ना। अब देखिए मेरे पास भी खेत है, तेरे पास भी खेत है, अब मेरे खेत में उपज नहीं हो रही तो तेरे में से कहां से होगी, अब तू भी तो मुझे जॉब नहीं दे सकता। लेकिन सिटीज में ऐसा नहीं है ना, सिटीज में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ठीक, इसके बाद में जो पुश फैक्टर है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर जो है वो बहुत बड़ा पुश फैक्टर है। क्या मतलब है इस बात का कि अब लेट्स से अर्थक्वेक है, कहीं भी अर्थक्वेक आता है, जैसे कि हिमालयन रेंज है, हिमाचल प्रदेश है, श्रीनगर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर आते हैं। लेट्स से लैंडस्लाइड हो गया, क्लाउड बर्स्टिंग हो गया, उत्तराखंड हो गया, चमोली डिस्ट्रिक्ट आता ही रहता है, बाढ़ आती रहती है, फ्लड होती रहती है। तो जो आसपास के लोग हैं उनको लगता है कि यार हम जितना पैसा कमाते हैं सब इस तरीके से हो जाता है। जैसे कि जोशी मठ में अभी लैंड सब्सिडेंस हुआ है, जब लैंड सब्सिडेंस हुआ है जोशी मठ में तो लोगों को क्या लगता है, जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे ही उनको ऑप्शन मिलेगा, दे विल ट्राई टू मूव टू अ मोर स्टेबल प्लेस। अब केरला में जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, जैसे ही उनको ऑप्शन मिलेगा, जो चेन्नई की फिशरमैन कम्युनिटी है, एज सून एज दे विल गेट ऑप्शन दे विल माइग्रेट टू द बेटर प्लेस। एनीबडी हु विल गेट देन अपॉर्चुनिटी विल मूव टू द बेटर प्लेस। तो जहां पे नेचुरल डिजास्टर जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं वहां पे भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, एंड दैट ऑल्सो वर्क्स एज ए पुश फैक्टर। इसके बाद में क्रॉप फेलियर एग्रीरियन डिस्ट्रेस का ही पार्ट है कि देखिए जो क्रॉप फेलियर है ना इंडिया में, अभी भी हम कितना ही बात कर ले कि हमारा एग्रीकल्चर इतना एडवांस हो गया है, इंडिया इतनी सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गई है, ये अब तो हम एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वी डोंट नीड एनीथिंग एंड एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, बट एक दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो एग्रीकल्चर है बहुत ज्यादा नेचर ड्रिवन प्रोडक्शन है, बहुत ज्यादा रिस्की प्रोडक्शन है। एग्रीकल्चर इज अ वेरी रिस्की बिजनेस। आप ये लगाइए ना कि आपने आम का जो फसल है, अभी मैं रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं पे ओले पड़े और किसी का आम का बाग पूरा का पूरा खराब हो गया। इस बार मार्केट में अभी भी आप देखेंगे इतने आम नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं, अभी भी इतनी वैरायटीज जैसे पहले होती थी वो नहीं देखने के लिए मिल रही है। तो क्रॉप फेलियरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको जैसे मानसून नहीं आया, ज़्यादा अच्छे से नहीं आया, उसको हम कवर अप कर लेंगे, चलो ठीक है हमने इरीगेशन कर लिया, पेस्ट अटैक हो गया, लोटस पेस्ट अटैक हुआ है पिछली बार, ठीक है जो पेस्ट के अटैक हो गए उससे आप कैसे बचाएंगे, वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा क्लाइमेट चेंज की वजह से सीजनल वेरिएबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बेटा इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप पूरी तरीके से सारे क्रॉप को नहीं बचा सकते हैं, क्रॉप फेलियर हो गया। पॉवर्टी, गांव में जो एक इंसान गरीब है उसको तो यही लग रहा है ना कि अगर मैं यहां से निकल जाऊंगा तो मेरी तो जिंदगी में कुछ बेटरमेंट हो जाएगा। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कहीं भी वॉर हो कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो लोग उस प्लेस पर रहना पसंद नहीं करते हैं, दे मूव आउट एंड दे ट्राई टू लिव इट एज रिफ्यूजीज। ठीक, उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट, भाई गांव में फार्म है, फार्म से रिलेटेड एक्टिविटीज है, आप गांव में जाएंगे तो क्या कर लेंगे, गांव में आप खेती कर सकते हैं, साथ में थोड़ी बहुत एनिमल रियरिंग कर सकते हैं, उसके साथ में ठीक है अगर आपके पास सरसों होती है तो आप सरसों के तेल का कोलू लगा सकते हैं, आपके पास गुड़ है तो आपके पास अगर गन्ना होता है तो गुड़ बनाने का कोलू लगा सकते हैं, चीनी मिल लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमारी इकोनॉमी ने अभी भी इतना फोकस नहीं किया है। ठीक है बेटा,
इसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लैक ऑफ क्लीन वाटर। मैंने जब आपसे लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि लोगों के पास वाटर नहीं, जब मैंने आपको प्लानिंग पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि औरतों को 3-4 किलोमीटर चल के उसमें मटके में भर के पानी लाना होता है। एटलीस्ट सिटी में तो ये पोजिशन नहीं है, सिटी में तो टैप वाटर आपको ईजिली मिल जाता है। पुअर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, आप जानते हैं कि जो एजुकेशन है गाँव में इतनी अच्छी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। प्राइमरी डिस्पेंसरीज होती हैं बेटा विलेज एरियाज में, डिस्पेंसरीज हैं जहाँ पे कि आपको बेसिक नेसेसिटीज़ की भी मेडिसिन नहीं मिलती हैं। अगर हम मैटरनल हेल्थ की बात करें तो बहुत बेकार कंडीशन है विलेजेस में, ठीक। इसके बाद में लैक ऑफ शेल्टर है, लैक ऑफ शेल्टर है, ठीक है, शेल्टर बहुत कम है। सीवरेज सिस्टम जो है वो कम है, ठीक है, यानी कि सीवरेज सिस्टम नहीं है। ओपन में डिफिकेशन करते हैं लोग, ठीक, डिफिकेशन करते हैं, ठीक है, ओपन डिफिकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अभी भी, ठीक। उसके बाद में डिस्पोजल नहीं होता है ह्यूमन वेस्ट का। एमिनिटीज़ नहीं है, एमिनिटीज़ जैसे कि लेट्स से जो अर्बन एरियाज है उसमें पार्क होते हैं, पार्क हैं, मॉल्स हैं, बेटर फैसिलिटीज़ हैं, वो सब नहीं है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि सिटी में पोल्यूशन है, लेकिन जहाँ भी पोल्यूशन बढ़ता है वहाँ से लोग मूव करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली से अगर पोल्यूशन बढ़ता है, दिल्ली में अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं, तो ट्राई टू मूव आउट, ठीक। एग्रीकल्चर इनएफिशिएंसी है, ओवर क्राउडेडनेस है, ओवर क्राउडेडनेस, अगर ओवर क्राउडेड है तो लोग वहाँ पे नहीं रहना पसंद करेंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है तो। इसके बाद में है अनस्यूटेबल एंड बैड क्लाइमेट, अनस्यूटेबल एंड बैड क्लाइमेट, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी क्लाइमेट जो कि सूट नहीं करता हो, अनस्यूटेबल और बैड क्लाइमेट है जो कि सूट नहीं करता है, जैसे कि लेट्स से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर है, लेह लद्दाख है, लद्दाख में फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है बहुत ज़्यादा, जो हिमालयन रेंज है एक्सट्रीम है। डिजर्ट में अगर आप जाएंगे तो जैसलमेर की साइड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर 44-45 टेम्परेचर रहता है, तो ऐसी जगह पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक। फेमाइन तो आपको पता ही है, ड्रोट, जब बहुत ज़्यादा खाने की कमी हो जाती है, तो ये सारे पुश फैक्टर्स हैं, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को पुश करते हैं उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे रूरल में अवेलेबल हो, कुछ सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो अर्बन एरियाज में हैं, तो अर्बन एरिया से भी लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा अर्बन एरिया में, लोग वहाँ से भी माइग्रेट करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल रूरल एरिया से ही लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, हाँ रूरल एरिया से लोग ज़्यादा माइग्रेट करना चाहते हैं, दैट्स द डिफरेंस। तो दीज आर द पुश फैक्टर्स, नाउ वी विल लुक फॉर द पुल फैक्टर्स, ठीक है। पुल फैक्टर्स मैंने क्या बताया था, यहीं पे देखते हैं पुल फैक्टर्स क्या है। सारे फैक्टर्स जो इनके ऑपोजिशन में हो वो हमारे पुल फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो जो फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है, अगर हम वही फैसिलिटी किसी एक प्लेस पे है तो लोग वहाँ पे जाना शुरू करेंगे, ठीक। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, कोई एक ऐसा प्लेस जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर नहीं आता है, क्रॉप फेलियर नहीं है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज की जॉब है, तो इनके जितने भी फैक्टर्स ऑपोजिट फैक्टर्स हैं वो सब किस में हो जाते हैं, पुश फैक्टर में पुल फैक्टर में हो जाते हैं, ड्राइविंग फोर्स पे हो जाते हैं, ठीक। सो लेट अस सी कि पुल फैक्टर्स कौन से होते हैं, डिटेल में ही देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि ये नोट्स आपके बहुत मोर देन इनफ नोट्स होने वाले हैं, तो पुल फैक्टर्स को ही देखते हैं, लेट अस सी पुल फैक्टर्स, ठीक। पुल फैक्टर्स में क्या है, जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे एक इंसान मूव करके जाना चाह रहा है वो पॉजिटिवली लिया जाता है, लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, बेटर जॉब होती है, एजुकेशन फैसिलिटीज होती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर क्लाइमेट, ये सब होता है, ठीक है। तो लेट अस जस्ट सी कि क्या है पुश फैक्टर, पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक, लोगों को लगता है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमको एक अच्छा काम मिल जाएगा, तो पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक। इसके बाद में बेटर एमिनिटीज होती हैं, बेटर एमिनिटीज, ठीक, बेटर एमिनिटीज के बाद में एक गुड एटमॉस्फेयर,
गुड एटमोसफेयर के बाद में क्या है बेटा, लो क्राइम रेट होना चाहिए। जहाँ का क्राइम रेट कम होता है लोग वहां पे रहना पसंद करते हैं, तो लो क्राइम रेट्स। ठीक, इसके बाद में फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड होगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा, लोग उसी तरफ मूव करना चाहेंगे। फर्टाइल लैंड के अलावा फूड सप्लाईज जो है वो होनी चाहिए, फूड सप्लाईज होनी चाहिए। फूड सप्लाईज के बाद बेटा इसमें क्या है, लेस नेचुरल डिजास्टर्स। वही मैंने बताया ना, जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं सब का आप रिवर्स कर दीजिए, जहाँ पर डिजास्टर जो है वो बहुत कम आते हों, लेस नेचुरल डिजास्टर। इसके बाद में वेल्थ होना चाहिए, एफ्लुएंस होना चाहिए, ग्रेट वेल्थ और एफ्लुएंस। उसके बाद में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक, सिविल वॉर नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होगी तो लोग वहाँ पर रहना प्रेफर करते हैं। क्लाइमेट होना चाहिए, क्लाइमेट के बाद में नो स्लेवरी। ऐसा नहीं है ना कि हम यहाँ से निकल के यूएस चले जाए, वहाँ पे हमें गुलाम ही बना ले, उसका भी तो कोई पॉइंट नहीं है। इंडिया से निकल के यूएस के, यूएस में आपको स्लेव बना लिया, ठीक। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, जिंदगी तीन चीज़ों से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वो भी बहुत ज़रूरी है, विद्या बालन मैम ने कहा, ठीक। इसके बाद में आपके बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मेडिकल केयर होनी चाहिए, स्पेशली जो वीमेन के मेडिकल केयर है, जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में चाहिए होती है, मैटरनल और नियोनेटल मेटरनल केयर दोनों अच्छी चाहिए, बच्चा माँ और बच्चे को, ठीक है। इकोनॉमी जो है वो स्टडी होनी चाहिए। और दूसरी इसमें क्या है कि एक रिलीजियस फ्रीडम भी लोग देखते हैं कि क्या हमें अपना रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम है या नहीं। अब देखिए, लोग पाकिस्तान माइग्रेट नहीं करना चाहते, क्यों नहीं माइग्रेट करना चाहते पाकिस्तान, कि इफ़ यू माइग्रेट टू द पाकिस्तान यू विल हैव टू फॉलो द स्टेट रिलीजन। तो ऐसी कंट्रीज जिनका स्टेट का एक रिलीजन है, पीपल डोंट वॉन्ट टू माइग्रेट देयर, तो दैट इज पुल फैक्टर्स, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो पुल करते हैं लोगों को अपनी तरफ कि आप हमारे पास आ जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।